एसेट्स से कैसे वैल्यू रियलाइज करनी है, लायबिलिटी से कैसी वैल्यू रियलाइज करनी है, उनकी जर्नल पे वर्क कर लिया है। अब जो मैं वर्क करने जा रही हूँ ना, बेसिकली वो मैं कर रही हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है, क्यों? कभी कभी तो पार्टनर पे कर देता है एक्सपेंसेस, उसकी लायबिलिटी नहीं होती। कभी कभी फर्म पे कर देता है, लायबिलिटी पार्टनर की होती है। तो डिस्कस करते हैं फटाफट। चले जी, पहली एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹2,500 की पेमेंट थी, फर्म को पे करनी थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार बच्चे डेबिट कर देते हैं, नो, पूल से पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 वर पेड बाय अशोक, वन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर कैपिटल इज फिक्स्ड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उसके करंट से ट्रांजैक्शन होगी, एक्सपेंसेस तो पे हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि वो बेसिकली हमारा जो लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक, सॉरी अशोक जो पार्टनर है उसने पे कर दिया, तो अशोक का हम जो करंट अकाउंट, सॉरी, वो क्रेडिट करेंगे, तो रियलाइजेशन टू अशोक करंट अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस जो थे 3,000 के थे पर पेड बाय अशोक, वन ऑफ द पार्टनर, ठीक है, जबकि पार्टनर की लायबिलिटी नहीं थी, तो फर्म अशोक को दे देगी। ठीक है, आगे देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय रशिम फॉर विच ही विल पेड 70,000 एज रेमुनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। द एक्चुअल एक्सपेंसिस इंकर्ड बाई रशिम वर 1,20,000। भैया हमें नहीं मतलब कितना खर्चा कर दिया तुझे, हमने बोला था रशिम भाई साहब कि आपको 70,000 में रिजोल्यूशन प्रोसेस कराना है, तो फर्म तो तुम्हें वही देगी। तो इस केस में क्या कर रही है, रियलाइजेशन टू रशिम कैपिटल अकाउंट, रशिम को फर्म पे कर रही है ₹70,000 इन रेस्पेक्टिव, उसने 1,20,000 रुपया खर्चा कर दिया, भैया खुद भुगतो। आगे देखो, नमन अ पार्टनर हु appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000, ठीक है, तो firm तो उसको 9,000 रुपए देगी, तो realization account debit to Naman Capital 9,000 रुपए। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, Naman agreed to bear the dissolution expenses, actual dissolution expenses 4,000 were paid by the firm, जबकि actual में जो dissolution expenses हैं जो firm ने pay किए हैं, firm की तो liability भी नहीं थी pay करने की, firm की liability pay करने की नहीं थी, फॉर्म तो किसको देगी, नमन भाई साहब को देगी, जो 9,000 रुपए की बात हुई। तो आप यहाँ पे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और ये दो एंट्री करके भी कर सकते हैं। मैं ये दो एंट्री से समझाती हूँ, जल्दी क्लियर होता है, क्योंकि देखो फॉर्म ने क्या करना है, फॉर्म ने तो 9,000 रुपए देने हैं किसको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नमन कैपिटल 9,000 रुपए, ये एग्रीमेंट हुआ था। अब इसमें से 4,000 रुपए फॉर्म ने पे कर दिए, तो वो 4,000 रुपए पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर से चार्ज करने के टाइम पे नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पे, तो नमन पे करके जाएगा 4,000 रुपए फॉर्म को, नमन से चार्ज किए जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिए, जीव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10,000, ठीक है, तो हमारे जब 10,000 का उसे कमीशन मिल रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए पार्टनर को दिया जाएगा। ही एग्रीड टू बियर द रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय जीव वर 12,000, एक्चुअल में जीव ने 12,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है जी, कर दिए, पेड बाय जीव वर 12,000, दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, पे तो करे जीव ने लेकिन पैसा उठाया बिजनेस में से, तो भाई साहब जीव को दे के जाना पड़ेगा, तो जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उससे एक्वायर किया जाएगा। अच्छा पॉइंट था, आगे देखिए, अमित अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट द कॉस्ट ऑफ 4,000, उसको एसेट बेचनी थी, 4,000 रुपए की रिकवरी करनी थी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3,000, ठीक है। तो अब पहले बात सुने, अमित अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 4,000, ठीक है, तो रियलाइजेशन रियलाइज द एसेट, भाई वो सारा काम कर रहा है, बेसिकली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कर रहा है, तो फॉर्म उसको 4,000 रुपए दे रही है रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल अकाउंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3,000, ठीक है। अब यहां कोई बताया नहीं कि किसने पे किए, तो ऑब्वियसली फॉर्म ने पे किए, तो सेकंड केस में बनी रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि बताया नहीं कि कितने एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए, और अगर कुछ नहीं बताया होता तो फॉर्म ही पे करती है। आगे देखिए, क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 18,000, क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक, अब देखो उसको हमें स्टॉक देना था, सॉरी उससे को हमें 18,000 रुपए फॉर्म को 18,000 रुपए देने थे, क्यू एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक वर्थ ₹18, उसने कहा ठीक है मैं स्टॉक ले लेता हूँ 18,000 रुपए का, द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड दो एंट्री बनेगी, बेसिकली वो हमारी एक डेबिट में आई हुई और एक क्रेडिट में आई हुई, तो इस केस में बिना एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली नलीफाई हो रही है।
ठीक है, आगे देखिए, जे आ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000, ठीक है, जे एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 16,000, वाज पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जे, ध्यान से देखिए, देखिए जी, जे को फर्म ने 15,000 रुपए की बात की थी, तो फर्म तो उसे 15,000 देगी, रियलाइजेशन टू जे इस कैपिटल अकाउंट 15,000. अब यहां पर क्या हुआ, 18,000 रुपए, सॉरी एक्चुअल एक्सपेंसेस 16 हुए और वो भी विजय ने पे कर दिए. अब जय भाई साहब विजय को देंगे, तो जय को डेबिट किया, विजय को क्रेडिट किया, तो 16,000 रुपए जय भाई साहब से चार्ज किए जाएंगे और विजय को दिए जाएंगे, विजय की लाइबिलिटी नहीं थी. आगे आइए, अ डेटर ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,800 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. देखो जी, एक डेटर से आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है, नो एंट्री. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, ठीक है जी, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय ध्रुपद व्हिच वाज पेड बाय हिम. ध्रुपद ने पे किया, फर्म ने तो 3,000 का पेमेंट किया है, तो रियलाइजेशन टू बैंक 3,000 का. आगे देखिए, अनुभा लुक्ड आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर रेमुनरेशन ऑफ 8,500, ठीक है, उसको रेमुनरेशन फॉर्म देगी, जब भी फॉर्म रेमुनरेशन देगी तो रियलाइजेशन टू अनुभा कैपिटल अकाउंट 8,500. एंड हुआ क्या, एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अप टू ₹6,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने कहा था 6,000 तक के एक्सपेंसेस मैं बियर कर सकता हूँ, और 8,500 में एग्रीमेंट हुआ और 8,500 दे दिए गए. बचे कितने आपके 6,000 थे, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हर वर 7,600. अब 6,000 में से उसने क्या किया, 6,000 के एक्सपेंसेस का उसने एग्रीमेंट लिया था, पेमेंट की उसने 7,600 की, तो 7,600 की पेमेंट की, तो 1,600 का फॉर्म और उसको देगी, तो रियलाइजेशन टू अनुभा कैपिटल अकाउंट. बेसिकली आप इसे कंबाइन भी कर सकते थे, दोनों अमाउंट को कंबाइन करके सिंगल एंट्री बना भी सकते थे, 8,500 पर 1,600 से एंट्री होगी, ठीक है. आगे देखिए, विभा वाज अपॉइंटेड, बस तीन चार केस और लूंगी इसके एक्सपेंसेस के. विभा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द रिजोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 14,000. शी एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द बुक वैल्यू ऑफ 13,000 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ अ रेमुनरेशन. इन्वेस्टमेंट हैज ऑलरेडी बीन, देखो जी, आपको एक रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने थे, वो आपकी एक एसेट से डिस्चार्ज हो गए, नो एंट्री. अच्छा पॉइंट है ये, देखो ध्यान से क्या बोला, कि 12 लाख का तो एक हमारा एसेट बिका, उसके अलावा 3 लाख की हमारी एक और एसेट थी जो हमारे क्रेडिटर ने ले ली, ठीक है, टोटल एसेट हमारी हुई 15 लाख की, ठीक है. उस 15 लाख की एसेट पे 2% कमीशन, 15 लाख पे हम 2% कमीशन निकालते हैं, 30,000 रुपये कमीशन बनता है, जो सन भाई साहब लेंगे, और 10,000 ऊपर वाले लेंगे, तो रियलाइजेशन जो सन कैपिटल अकाउंट 40,000 की पेमेंट होगी, ध्यान से करना. अच्छा पॉइंट था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, तो फर्म तो बियर कर रही है, रियलाइजेशन टू बैंक से 3,000 रुपए, रिमेनिंग इज पेड बाय, ये पहले केस कवर हो चुका है आई थिंक. चलिए जी आगे देखते हैं, रीता वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट, रीता वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट एंड वाज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. एसेट वर रियलाइज एज फॉलोज, चलो जी करते हैं, 30,000 की हमारी एसेट थी, 26,000 की हमारी एक एसेट थी, 42,750 की हमारी एक एसेट थी, इन्वेस्टमेंट हमारे बन के आई 98,750, नोट कर लेते हैं. उसके बाद कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट 85% ऑफ द बुक वैल्यू इज 69,000, यानी हमें 69,000 पे बुक वैल्यू 69 है, इसकी हमें सिर्फ 85% वैल्यू मिल रही है, 69,000 का 85% आया 58,650. अच्छा, इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4,100, ठीक है, उसको भी बाद में देखते हैं, 4,100 पे कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा आया 58,650 प्लस 98,750, 1,54,400, उसका 5% निकालते हैं जी, हमारा निकल के आ रहा है 7,870, तो 7,870 की पेमेंट होनी है. अब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹4,100 विच वाज पेड बाय रीता, हमने तो 5% कमीशन की बात की है ना, फर्म तो पूरा पेमेंट करेगी, रियलाइजेशन टू रीतास कैपिटल अकाउंट 7,870 बन के आ रहा है, ठीक है जी. आगे देखिए, लेसी इज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 13,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, ठीक है, एंड इज टू बियर द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटिंग टू ₹5,000 पेड बाय द फर्म. अच्छा पॉइंट है, देखो बेसिकली जो हमारे एक्सपेंसेस है, लेसी इज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 13,000, तो रियलाइजेशन 13,000 रुपए गए, 13,000 में से ये कह रहे हैं कि लेसी को 13,000 रुपए पे करने हैं, जिसमें से 5,000 रुपए फर्म ने पे कर दिए,
ठीक है, तो लेसी को बेसिकली 8000 की पेमेंट होगी, तो रियलाइजेशन टू बैंक 5000 की पेमेंट जो परफॉर्म ने करी और रियलाइजेशन टू लेसी 8000 रुपए, क्योंकि लेसी की लायबिलिटी थी 13000 रुपए पे करने की, अब वो 5000 रुपए फॉर्म पे कर चुका है तो बचे हुए 8000 ही लेसी को दिए जाएंगे, तो वो लेसी के कैपिटल अकाउंट में हमने 8000 रुपए क्रेडिट किए। ये बेसिक सी एक्सपेंसिस की एंट्री है। मैं कहूंगी मैंने कितने केस कवर किए हैं, आपके 15-16 केस कवर किए, इससे बात कोई नहीं मिलेगा रियलाइजेशन का, रट के चले जाओ काम बन जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने अपनी जो भी देख रहे हैं ना पूरी पूरी जो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप है वहां तक पहुंचा दो, सबका काम होना चाहिए। इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से है। थैंक यू।